एमसीडी पर किसका होगा राज? एमसीडी चुनाव में क्या हैं जनता के बड़े मुद्दे? एमसीडी चुनाव में नेताओं ने किए कौन कौन से बड़े वादे? जनता की आवाज बनने और नेताओं के वादे सुनने दिल्ली की गलियों में पहुंच रही है चुनाव यात्रा। नमस्कार, मैं अंकित जायसवाल। हम खड़े हैं भाजपा के जो भाजपा कार्यालय है दिल्ली में। हमारे साथ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, हम इनसे बात करेंगे एमसीडी चुनाव के लेकर, आने वाले जो इनके मुद्दे हैं, इनकी तैयारियों के बारे में बात करेंगे। जी सर, अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम विक्रमजीत है। जी विक्रम जी, अभी एमसीडी चुनाव अभी उरूज पे हैं और इलेक्शन तारीख नज़दीक आ चुकी है, उसके बारे में बात करें तो उसके बाद अभी तैयारियाँ कैसी हैं और आपके मुद्दे क्या हैं? देखो, हमारे जो मुद्दे हैं, जो मोटे मोटे मुद्दे हैं हमारे भाजपा के, तो भाजपा के मुद्दे हैं कि सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। तो जो भी प्रचार एक सही मायने में, एक सही तरीके में जो किए गए हैं, वो एक सही दिशा में और सही प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं, जिस करके जो आगे हमारे आने वाले चुनावों में आगे हमारी जीत पक्की है। क्योंकि केजरीवाल जी को भी लग रहा है कि वो फिर इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जैसे आपने देखा कि तिहाड़ जेल के अंदर मसाज पार्लर खोल दिया, सतेंद्र जैन को वो पूरी वीवीआईपी आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है जो उसको नहीं मिलना चाहिए था। तो ये सब कौन करवा रहा है? आम आदमी पार्टी की सरकार करवा रही है। भाजपा सरकार को वो एक नीचा दिखाने के लिए वो ये हथकंडे अपना रहे हैं कि क्या किसी ने किसी तरह इनको नीचा दिखाया जाए और चुनाव से बाहर किया जाए। देखो, जो उन्होंने कहा है कि दुगने उस पर आ रही है, वो एक नाखून के बराबर भी नहीं है। वो बिल्कुल नाखून के बराबर नहीं है। वो जो उनकी बात है वो बिल्कुल झूठी बात है। ठीक है, कहने को तो मैं भी कहता हूँ कि मैं कुतुब मीनार बना सकता हूँ, पर जो हकीकत है वो मैं नहीं बना सकता। ठीक है, तो केजरीवाल जी जो भी दावे करे जाएं वो कुछ भी नहीं है, उनके आगे बिल्कुल कम है। अभी दिल्ली की बात करें, दिल्ली चुनाव की बात करें, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने कूड़े का पहाड़ देखा, वो मुद्दा मेन मुद्दा है। सड़कों की मरम्मत की बात है, वो मेन मुद्दा है। देखो, जो दिशा हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, जो भी हमारे कह लो आदेश गुप्ता जी हैं या और भी हमारे भाजपा के जो बड़े लीडर हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, तो उनसे भी हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है कि हम आगे वाले चुनाव में ये जो काम कर रहे हैं, आगे वाले चुनाव में जो आगे प्लेटफॉर्म है, तो किस न किसी तरह हम इसको जो है बिल्कुल सार्वजनिक रूप में इसको तवज्जो देने की हम लोड है हमें कि हम इस तरह अपने प्लेटफॉर्म पे, इस तरह अपने रास्ते पे चलते हुए और इसको जो पूरा का पूरा जो काम है वो एक सही दिशा में, एक सही रूप में काम करके और इस एमसीडी वाले चुनाव को हम जितनी बड़ी हासिल, जीत की हासिल है वो करवा सकें। अगर मैं बात करूँ सिख कम्युनिटी की और उनकी वोटों की रुझान की, तो हम सिख समुदाय किसको सपोर्ट कर रहे हैं और लाइक उनके विचार और उनके मुद्दे क्या हैं? देखो, सिखों के जो मेन मुद्दे हैं वो बेसिकली है कि आप बंदी सिंह जितने यहाँ पे बंद हैं उनको रिहाई करी जाए। वैसे तो भाजपा जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की भी यही एक सोचना है कि जितने बंदी सिंहों की रिहाई करी जाए वो कम है। तो जिन्होंने सज़ा पूरी कर ली है जेलों में, तो वो है कि उनको बाहर किया जाए और जो भी आगे दिशाएँ हैं, जो भी आगे हथकंडे हैं, जो भी नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, और सिख समुदाय की यही हमेशा कोशिश रही है कि भाजपा को उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है हमेशा और भाजपा के साथ खड़े हैं। तो जितनी हमारी सिख कम्युनिटी है, सिख वोटिंग है, वो भाजपा के साथ है। पर ये है कि सिख समुदाय भी ये चाहता है कि उनकी उम्मीदें जो हैं, मेन मुद्दा ये है कि बंदी सिंहों को रिहा किया जाए, तो वो पूरी होनी चाहिए। जैसा कि हमने बात किया और हमने जाना कि लाइक अभी जो सिख कम्युनिटी का स्पेशली बात करें तो उनका पूरा समर्थन भाजपा के साथ है। हमने बात किया, उन्होंने बताया कि अभी जो भी वादे किए जा रहे हैं केजरीवाल सरकार की तरफ से, सारे झूठे वादे हैं। भाजपा अपने अपने काम को ही अपना वादा मानती है, अपने काम को ही अपना मुद्दा बनाती है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभा साक्षी न्यूज़। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।